बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी क्रिस्पी क्रिस्पी यमी यमी स्टफिंग के चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनाना चाहते हैं, फनी सा स्नैक बनाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। अरे वाह मम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी चिकन ब्रेड पॉकेट्स। तो चिकन ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मैंने 2, 4, 6 अदद ब्रेड की स्लाइसिस ले ली हैं, 2 कप बॉयल की हुई चिकन ली है, शेडो कर लिया है इसे मैंने, रेशे कर लिया है, मेयोनीज ले लेंगे 4 टेबल स्पून, ब्रेड क्रम है 1 कप, और चिकन ब्रेड पॉकेट्स के अंदर आप कोई भी वेजिटेबल सीजन्स की ले लीजिएगा। यहाँ पर माशाल्लाह से अभी गाजरों का बहुत ही अच्छा सा सीज़न आया हुआ है कैरेट का, तो मैंने कहा क्यों ना ब्रेड पॉकेट्स के अंदर कैरेट यूज़ की जाए। 1 अदद अंडा, और ये ब्रेड के अंदर कोई भी ऐसे स्पाइसेस यूज़ नहीं होते हैं, बहुत ही स्पेशल से और यमी से मज़ेदार से स्पाइसेस यूज़ होते हैं। तो पॉकेट्स के अंदर स्टफिंग के लिए हमने जो स्पाइसेस लिए हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। तो चलते हैं यमी से ब्रेड पॉकेट्स की सबसे पहले स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ हमने अपनी शेडो की हुई 2 कप जो चिकन है इसमें ऐड कर देने हैं सारे स्पाइसेस, चिकन पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, इसी के साथ हम ऐड कर देंगे कैरेट, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल सी स्टफिंग है और बहुत ही टेस्टी सी स्टफिंग है ये, और इतने अट्रैक्टिव होते हैं माशाल्लाह से हमारे ये ब्रेड पॉकेट्स। अब इसमें हम मेयोनीज ले लेंगे 4 टीस्पून तकरीबन, ये देखें 4 टीस्पून के करीब हाफ प्याली मैंने मेयोनीज ले ली है। थोड़ी सी मैं इसमें क्रीम भी ऐड कर दूंगी, इंग्रेडिएंट्स में मैंने रखी नहीं थी, फ्रिज में से निकाली है मैंने ये क्रीम, हलीब की मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत ही क्रीमी सी पॉकेट्स बनेंगी, इसकी स्टफिंग बहुत क्रीमी और हेल्दी यमी सी बनेगी। तो हमारी माशाल्लाह से स्टफिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है, अब इसकी पॉकेट्स रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 6 अदद ब्रेड की स्लाइसिस ली हैं, और ये प्यारा सा मैंने अपनी किसी भी चीज़ का, किसी भी बर्नी का कटर ले लिया है, आपके पास कटर हो तो आप वो ले लीजिएगा, लेकिन मैंने इसका ये ऊपर का ढक्कन लिया है किसी बोतल का। तो इस तरीके से मैं जो भी साइज़ आपने बनाने हो आप वैसे कट कर लीजिएगा। मैंने मीडियम साइज़ के पॉकेट्स बनाने हैं, मैं इसे कट कर लूँगी, और मेरी जो ब्रेड्स हैं वो थोड़ी सी बिग हैं, बड़ी हैं, तो इसमें से मेरी 2 पॉकेट्स आराम से निकल आएंगी। 1 पॉकेट्स मेरे हाथ में है, अब इसी में से मैं 1 पॉकेट और कट कर लूँगी। अगर आपकी छोटी स्लाइसिस हों ब्रेड की तो आप उसमें से 1 पॉकेट निकाल लीजिएगा, ये ब्रेड थोड़ी बड़ी थी तो इस वजह से मैंने इसमें से 2 पॉकेट निकाले हैं। ये देखें एक और मैंने ले लिए हैं, अब ये हमारी 1 पॉकेट तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं सारी ब्रेड्स में से 2-2 पॉकेट कट कर लूँगी। माशाल्लाह से सारी हमने पॉकेटें कट कर ली हैं, ठीक है जी। अब इसे हम रेडी करते हैं, पहले हम सारी पॉकेटों को अच्छी तरीके से बेल लेंगे, ब्रेड है इसे बेल लेंगे अच्छी तरीके से। देखें हमने 1 ब्रेड बेल ली अपनी, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और बेल के दिखाती हूँ आपको, इसे बस प्रेस करना है इस तरीके से। देखें मैंने 1 पॉकेट अपनी बेल के रेडी कर ली है, ऐसे ही मैं सारी पॉकेटें बेल कर रेडी कर लूँगी। देखें माशाल्लाह से हमने सारी पॉकेट्स अच्छी तरीके से बेल ली हैं, अब इसे हम पॉकेट्स किस तरीके से बनाएंगे। ये हमने एक प्याली में वाटर ले लिया है, पॉकेट रखेंगे साइडों पर, इसके हम वाटर ऐड कर देंगे। देखें इस तरीके से साइडों पे वाटर ऐड कर देना है,
ये देखें इस तरीके से साइडों पर सारी पॉकेट्स की बॉर्डर ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से सारी बॉर्डर से हम इसे कोट कर लेंगे। सिर्फ किनारों पर ही बॉर्डर ऐड करना है, और जब किनारों पर बॉर्डर दोनों पॉकेट की हम ऐड कर देंगे, फिर एक पॉकेट लेंगे, दूसरी पॉकेट इस पर इस तरीके से रख कर इसे फिंगर की मदद से किनारों से प्रेस कर देंगे। ठीक है जी, ये हमने प्रेस कर दी, हमारी एक ब्रेड पॉकेट रेडी है। इसी तरीके से हम सारी कर लेंगे, किनारों पर वाटर ऐड करेंगे। पॉकेटों की किनारों पर वाटर ऐड करने के बाद फिंगर की मदद से इस तरीके से पॉकेट्स को एक दूसरे में ज्वाइन कर देंगे। ये देखें, ठीक है जी, एक और हमारी ब्रेड पॉकेट इस तरीके से रेडी हो जाएगी। इसे साइडों से इसे प्रेस कर दीजिएगा, बस इसे बीच पे से ऐसे ही छोड़ देंगे पॉकेट की तरह, और साइड को अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे। ऐसी मैं सारी रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह से मैंने सारी ब्रेड पॉकेट्स ये देखें रेडी कर ली हैं। माशाल्लाह से हमने सारी ब्रेड पॉकेट्स अपनी रेडी कर ली हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक अदद अंडा लिया था हमने, इसे हम एक बाउल में तोड़ लेंगे। अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अंडा हमने बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिया है। एक तरफ हमने ब्रेड क्रम्ब ले लिए हैं। अब ब्रेड अंडे के अंदर पॉकेट को ऐड करेंगे और अंडा अच्छी तरीके से कोट कर देंगे। ब्रेड के पॉकेट को हम अंडे की कोटिंग के बाद ब्रेड क्रम्ब में रख देंगे। ब्रेड क्रम्ब पर ऐड कर देंगे इस पर सारे ब्रेड क्रम्ब। देखें इस तरीके से अच्छी तरीके से हम ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे पॉकेट्स को। अगर आपने ब्रेड क्रम्ब्स क्रिस्पी क्रिस्पी बनाने हैं तो आयत खान फूड सेक्टर पर आपको ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी बहुत ही यूनिक स्टाइल में मिल जाएगी। और ये देखें हमने अच्छी तरीके से पॉकेट अपना एक रेडी कर लिया है। इसी तरीके से सारे रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमने पॉकेट्स अच्छी तरीके से अंडे और ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लिए हैं। अब चलते हैं इनकी कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारे से मैंने बड़े से पोट में एक प्याली ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसमें हम अपनी पॉकेट्स ऐड कर देंगे। तरीके से हम अपनी पॉकेट्स इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और आप फ्राई होते हुए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये पॉकेट्स अभी फूलेंगी अच्छी तरीके से। देखें माशाल्लाह से बस एक साइड हमने एक मिनट अच्छी तरीके से फ्राई करनी है, और फिर पॉकेट्स की हमने साइड चेंज कर देनी है, और जो हमने पॉकेट्स बनाई हैं वो अच्छी तरीके से फूल जाएंगी। ये देखें आप अभी देखते जाएं, ये वाली पॉकेट्स देखें कितनी प्यारी सी फूल चुकी है। ये देखें इस तरीके से हमारी सारी पॉकेट्स फूलेंगी अभी। और आप मेरी ब्रेड पैटिस की भी रेसिपी देखिएगा, एंड स्क्रीन पे लगी चिकन ब्रेड बॉल की भी रेसिपी देखिएगा। और ये है हमारी चिकन ब्रेड पॉकेट्स। ठीक है, हमने ये पॉकेट्स बनाई हैं ब्रेड की, इसे हम दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। और बस दो मिनट में माशाल्लाह से हमारी ब्रेड पॉकेट्स अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। फ्लेम हमने इसका ऑफ कर दिया है। अब वन बाय वन हम अपनी पॉकेट्स बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हमारी पॉकेट्स फूल चुकी हैं। इसे हम ऑयल से बाहर निकालेंगे। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी से हमारी ये प्यारे से कलर में पॉकेट्स फ्राई हो चुकी हैं। और आप मेरी ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा, आपकी बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सी पॉकेट्स रेडी होंगी। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं। ऐसे देखें ये पॉकेट्स हमारी रेडी हैं। अब इन पॉकेट्स को हम कट करेंगे। देखें इस तरीके से हम सारी पॉकेट्स कट कर लेंगे। देखें कितना प्यारा सा अच्छा सा धुआं निकल रहा है, क्योंकि गरम गरम पॉकेट्स हैं हमारी ये। और ये देखें इस तरीके से हम पॉकेट्स कट कर लेंगे सारी। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज होती हैं, आप ज़रूर ट्राई किया करें और बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं ये फ़न देखकर। ये देखें माशाल्लाह से
पॉकेट्स कितनी प्यारी सी रेडी हुई हैं हमारी। आप मेरी ब्रेड इसकी भी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। देखें हमने सारी पॉकेट्स अपनी कट कर ली हैं और अब हम इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे। गरम गरम से हमारे ब्रेड पॉकेट्स रेडी हैं, इसके अंदर हम स्टफिंग ऐड करेंगे और बहुत ही टेस्टी सी स्टफिंग रेडी हुई है और बहुत ही हेल्दी सी स्टफिंग है ये। क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से चिकन ब्रेड पॉकेट्स रेडी हैं, ये देखें। इसी तरीके से हम सारी पॉकेट्स फिल कर लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं चिकन ब्रेड पॉकेट्स का फाइनल लुक, कितनी ही टेस्टी यमी और मज़ेदार सी हमारी चिकन ब्रेड पॉकेट्स रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी हेल्दी यमी और बहुत ही प्यारी सी ये देखें चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी कैसी लगी, तो बताइएगा ज़रूर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरी ये चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी कैसी लगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही टेस्टी हेल्दी यमी फनी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।